अगन से जले विपक्षी के उम्मीदवार चिराग सरकार पर किया तेज हमला, स्कीम की वापस लेने की मांग भी की। अग्निपथ योजना को लेकर जब युवाओं का गुस्सा फूटा तो विपक्षी इसका फायदा उठाने की कसर नहीं छोड़ रहे हैं। विपक्षी ने सरकार पर हमला तेज कर दिया, वही अग्निपथ योजना के विरुद्ध आज लगभग पूरे देश में पहुंच गई है। बिहार से हरियाणा तक कई जगह पर वाहनों का आग लगा दी गई है, तो वहीं सार्वजनिक संपत्ति के साथ तोड़फोड़ हुई। ये विरोध एक आंदोलन के रूप लेता जा रहा है। ऐसे में विपक्षी भी सरकार को घेरने का अच्छा मौका मिल गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी से उन्हें बेरोजगार युवकों को आवाज सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को युवाओं की अग्नि परीक्षा नहीं लेना चाहिए। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि ये कदम देश के भविष्य के लिए खतरनाक होगा। बिहार में ट्रेन में आग लगा दी गई, बसों के शीशा तोड़े गए और भाजपा विधायक पर पत्थरबाजी हुई। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम, रेवाड़ी और पुलवामा में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और बलिया में युवा विरोध करने पर सड़क पर उतरे। वहीं विपक्षी कर रही योजना की वापसी की मांग। इस विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार के सूत्रों का कहना है कि सेना के रेजिमेंट सिस्टम कई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है और पहले से साल इस साल योजना के तहत जितने भर्तियां होगी वो कुल सैनिकों की केवल 3% होगी। एक तरफ सरकार इस योजना के फायदे गिना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस वापस लेने की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, 2 साल से कोई डायरेक्ट भर्ती, 4 साल के बाद स्तर विभिन्न सरकार का सेना प्रतीत सम्मान, देश का बेरोजगार युवाओं की आवाज़ सुनना, उन्हें अग्निपथ चला और उन्हें संज्ञान के अग्नि परीक्षा मत लीजिए प्रधानमंत्री जी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि जो लोग सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं तो उनके आंख में कई सपने हैं। सेना में भर्ती के नए योजना उन्हें क्या देगी? 4 साल के बाद बेरोजगार की गारंटी नहीं है, पेंशन की सुविधा नहीं है, नो रैंक ना पेंशन। नरेंद्र मोदी जी, आप इस तरह युवाओं के सपने नहीं कुचल सकते। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने भी अग्निपथ योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस युवाओं के असंतोष पैदा होने होगा। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी रुख साफ करना चाहिए। वहीं वह दलों ने मांग की है कि इस योजना को वापस लेना चाहिए, इस पर सांसद चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के लिए हित मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वम दलों ने कहा कि वापस लेनी चाहिए स्कीम। सीपीआई या महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि कंट्रेक्टर आधार पर सेना में भर्ती करके एक प्रोफेशनल सशस्त्र बल नहीं तैयार किया जा सकता। ये स्कीम केवल पेंशन बचाने के लिए लिया गया है, जिससे हमारा फौज क्वालिटी सभी समझौता करना होगा। वही सीपीआई महासचिव राजा ने कहा, नौकरी पाना सच में अग्निपथ जैसा हो गया है। इस योजना से देश युवाओं के भविष्य खराब हो जाएंगे, इसे तत्काल वापस लेना चाहिए। युवाओं के पूर्णकाल रोजगार मिलना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, केंद्र सरकार से अपील की है कि युवाओं को पूरी जिंदगी सेना में काम करने का मौका देना चाहिए, ना केवल 4 साल। बीएसपी चीफ मायावती ने इस योजना के गलत बताते हुए कहा कि ये युवाओं के साथ नाइंसाफी है। उन्हें केंद्र सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की। देखिए खास रिपोर्ट। हम लोग को इतना कड़ी मेहनत करने के बाद जाके सेना में भर्ती होते हैं और ये निर्णय ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 4 साल की नौकरी हो गई। कौन हिसाब से 4 साल का नौकरी होगा? क्योंकि उसमें 8 महीना तो 8 महीना ट्रेनिंग होगा, उसमें 6 महीना छुट्टी होगा। तो हम लोग देश में क्या रक्षा करेंगे? 3 साल में क्या जानेंगे कि मेरा कहां पे देश बिगाड़ रहा है और कहां पे सुधार रहा है? ये आपको निर्णय वापस लेना होगा। अगर हम लोग पावर है, सरकार आपको बना भी सकते हैं और सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। पर हम लोग इसलिए होते हैं सर कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का सभी का 4 साल जॉब कर दिया गया सर। अगर 4 साल हम लोग नौकरी करते हैं तो उसके बाद हम लोग कहां जाएंगे, कहां खटेंगे? हम लोग का इतना बैकग्राउंड नहीं घर का, परिवार का है कि हम लोग 4 साल नौकरी करने के बाद हम लोग ये करेंगे, कंपनी में जॉब करेंगे, मेरे माता पिता का सर्विस संभालेंगे, ये करेंगे, 4 साल के बाद हम लोग बेघर हो जाएंगे। बार हमेशा आर्मी की बाली रैली लिया जाता था, उसी प्रकार से लिया जाए, टीओडी को वापस किया जाए और पुरानी फिजिकल जो फिट है उस लोग का एग्जाम लिया जाए, जो पहले से फिजिकल फिट है, मेडिकल फिट है, उस लोग का एग्जाम फिर से लिया जाए और पुरानी भर्ती फिर से चालू किया जाए। टीओडी का हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं।